हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट ग्रुप दैट इज द अल्कली मेटल ग्रुप। तो आपके जो अल्कली मेटल्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर जो है एक प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करते हैं फॉर शोइंग देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज देयर इन एटॉमिक नंबर। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट कंसिडरिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं यहाँ पे क्या है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इन दी s ऑर्बिटल तो ये हमारा यहाँ पे क्या होंगे s ब्लॉक के एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि s ऑर्बिटल में हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में की कॉन्फिग्रेशन क्या है ns1। तो अब इनके कुछ एलिमेंट्स और इनकी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे लिथियम, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s1, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर है 37, इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। ऐसे ही जो सीजियम है आपका, इट इज एटॉमिक नंबर 55, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही यहाँ पे आपका फ्रेंशियम, इसका एटॉमिक नंबर 87 है। तो यहाँ पे आपका जो रेडोन है उसके जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आउटर मोस्ट में इसका फिर सेवंथ शेल जो है, सेवंथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो शेल है वहां पे इसका इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो ये इसकी वहां की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरीके से आपके ग्रुप वन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो नाउ द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स मेक्स देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो यहाँ पे जो ये एस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में प्रेजेंट है तो इसलिए वो काफी लूजली बाउंड होता है, तो इसलिए उसको इजिली निकाला जा सकता है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो गया तो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो फॉर्म होता है। सो दे दीज अल्कली मेटल्स दे रेडिली फॉर्म द इलेक्ट्रॉन्स, रेडिली लूज द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को इजिली ये निकाल देते हैं एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द M+ आयंस। इस वजह से क्या है क्योंकि ये M+ आयंस को बहुत इजिली बना पाते हैं इसलिए दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो कभी भी ये हमें फ्री स्टेट में नेचर में नहीं मिलते, हमेशा ये हम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दे विल बी फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।